हेलो एवरीवन मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ तो जो आज का हमारा सेशन होगा वो थर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्टी क्वेश्चंस के बारे में होगा जो आई सी ए आर बी एच यू और जेट में पूछे जाते हैं ठीक है ये हमारा सेकेंड सेशन है तो अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से आप उसे देख सकते हैं ठीक है तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज कैनोला इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट बिलोंग टू मतलब कैनोला कौन से ग्रुप कौन से प्लांट्स के ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन है मस्टर्ड सेकंड ऑप्शन है सेफ फ्लावर थर्ड ऑप्शन है नाइगर और फोर्थ ऑप्शन है सनफ्लावर तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा मस्टर्ड जो कैनोला है वो मस्टर्ड प्लांट के ग्रुप से बिलोंग करता है अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर और वो है एन एनुअल वीड कॉमनली फाउंड इन राइस फील्ड इज मतलब राइस के फील्ड में कौन सा ऐसा वीड है जो एनुअली या वार्षिक रूप से या फिर हमें नॉर्मली देखने को मिलता है तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन है एना गैलिस आरवेंसिस सेकेंड ऑप्शन है एकाइनोकोला क्रुसगेली थर्ड ऑप्शन है एमरेंथिस स्पिनोसिस फोर्थ ऑप्शन है फैलरिस माइनर तो जो इसका राइट आंसर है होगा वो होगा इकानो क्रुसगेली क्रूस गैली तो जो ये है वो राइस के फील्ड का मेन वीड है ठीक है अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर और हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच कंट्री इज द प्लेस ऑफ ऑरिज़न ऑफ सनफ्लावर तो कौन सी कंट्री है जो सनफ्लावर का ओरिजिन प्लेस है तो इसके जो ऑप्शन है वो है साउथन साउथर्न एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैक्सिको सेकेंड है स्पेन थर्ड है सोवियत यूनियन और फोर्थ है एग्रेट अर्जेंटीना ठीक है तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा साउथर्न यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको जो कि सेफ सनफ्लावर का ओरिजन पैलेस है ठीक है अब हम चलते हैं फोर नंबर क्वेश्चन पे द मोस्ट कंसनट्रेटेड फर्टिलाईजर यूज फॉर न्यूट्रं सप्लाई इज तो हमें बताना है कि कौन सा जो ना, कौन सा फर्टिलाइ, ना, ना फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया सेकंड ऑप्शन है डीएपी थर्ड ऑप्शन है एनहाइड्रस अमोनिया और फोर्थ ऑप्शन है एसएसपी तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा एनहाइड्रस अमोनिया तो एनहाइड्रस अमोनिया जो होती है इसमें एट्टी टू परसेंटेज तक नाइट्रोजन पाई जाती है ठीक है और जो यूरिया होती है उसके अंतर उसके अंदर फोर्टी सिक्स परसेंट नाइट्रोजन होती है अब हम मूव करते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन पे और वो है द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर मेज ग्रोथ इस इज तो जो मेज मेज क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ है उसके लिए जो suitable temperature कितना है 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 तो इसके ट्वेंटी और फोर्थ ऑप्शन है थर्टी टू डिग्री तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा थर्टी टू डिग्री सेल्सियस तो जो मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर है मेज क्रॉप के ग्रोथ के लिए वो है थर्टी टू डिग्री सेल्सियस ठीक है अब हम चलते हैं नंबर नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन पे पे ठीक है और वो है सी एच एस फी एस एच फर्स्ट वाज फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड रिलीज इन जो सी एस एच फर्स्ट वो एक सोरगम जो प्लांट होता है उसकी फर्स्ट हाइब्रिड फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है तो हमें बताना है कि वो रिलीज कब हुई थी इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है 1961 सेकंड ऑप्शन है 1962 थर्ड ऑप्शन है 1963 और फोर्थ ऑप्शन है 1964 तो जो सीएसएच फर्स्ट है जो सोरगम की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है वो रिलीज हुई थी 1964 के अंदर ठीक है अब हम चलते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पे और वो है व्हेन मूंग बीन्स आर अलाउड टू स्प्राउट विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड मतलब जो मूंग बीन है जब वो स्प्राउट होती है जब वो बनती है तो उनमें कौन सा जो विटामिन है उसका सिंथेशन सेंसेशन होता है सिंथेजाइजेशन होता है तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए सेकेंड ऑप्शन है विटामिन बी थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी मतलब जो मी वैन द मूंग बीन्स आर अलाउड टू तो स्प्राउट वो जो विटामिन सी होता है वो सिंथेसाइज होता है ठीक है अब हम मूव करते हैं एट नंबर क्वेश्चन पे और वो है द ऑप्टिमम सीड रेट पर के जी पर हेक्टेयर फॉर गेटिंग डिजायर्ड पॉपुलेशन ऑफ कैस्टर तो जो कैस्टर क्रॉप होती है उसके मतलब कितनी ऑप्टिमम सीड रेट होनी चाहिए जिससे कि हम हमें डिजायर्ड पॉपुलेशन मिल सकती है ठीक है मतलब कैस्टर के डिजायर्ड पॉपुलेशन हम गेन कर सकते हैं जो इसके ऑप्शन है ट्वेल्व से फिफ्टीन के जी एटीन सेकेंड ऑप्शन है एटीन से ट्वेंटी के जी थर्ड ऑप्शन है ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव के जी और फोर्थ ऑप्शन है ट्वेंटी फाइव से थर्टी के जी तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा एटीन से ट्वेंटी के जी मतलब अठारह से बीस के जी अगर हम कैस्टर के सीड का यूज करते हैं प्रति हेक्टेयर तो हमें मतलब कि हमें हमारी डिजायर्ड पॉपुलेशन मिल जाती है ठीक है जिसे हम हाई इल्ड प्राप्त कर सकते हैं अब चलते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन पे वेट ऑफ कॉटन वेट ऑफ वन कॉटन बेल इज इक्वल टू तो हमें बताना है कि जो कॉटन होती है उसकी वन बेल का जो वेट है जो वजन है वो कितना होता है तो इसके जो ऑप्शंस है वो है फर्स्ट ऑप्शन है वन सिक्सटी के जी सेकेंड ऑप्शन है वन सेवेंटी के जी थर्ड ऑप्शन है 180 केजी और फोर्थ ऑप्शन है 178 केजी तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 170 केजी तो कॉटन की ये जो एक बेल होती है उसका जो वेट होता है वो 170 केजी होता है ठीक है अब हम मूव करते हैं टेन नंबर क्वेश्चन पे एंड द 10 नंबर क्वेश्चन इज पूसा सदाबहार पूसा मौसमी एंड पूसा नव बहार आर द इम्प्रूव्ड वेराइटी और तो हमें बताना है कि पूसा सदाबहार पूसा मौसमी और पूसा नव नव बहार है वो किस क्रॉप की वेराइटीज़ है तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है ओट सेकेंड ऑप्शन है बरसीम थर्ड ऑप्शन है लूसन और फोर्थ ऑप्शन है ग्वार तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्वार तो जो पूसा सदाबहार पूसा मौसमी और पूसा नव बहार है वो ग्वार की इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ है अब हम मूव करते हैं इलेवन नंबर क्वेश्चन पे इन टबैको द कंसिस्ट कंसिस्ट इन रिमूवल ऑफ़ द टर्मिनल बड़ विद और विदाउट सम ऑफ़ द स्मॉल लीव्स प्रैक्टिस्ड इन मतलब कि मतलब जब टबैको में हम टर्मिनल बड़ को रिमूव करते हैं और मतलब विद और विदाउट स्मॉल मतलब साथ में और साथ में हम करते हैं स्मॉल लीव्स के जो प्रैक्टिस होती हैं मतलब कि टर्मिनल बर्ड को रिमूव करने की प्रैक्टिस और लीव्स को रिमूव करने की प्रैक्टिस उनको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं तो इसके जो ऑप्शन है वो है टॉप फर्स्ट ऑप्शन है टॉपिंग डी सकरिंग एंड प्राइमिंग सेकंड ऑप्शन है डी सकरिंग टॉपिंग एंड प्राइमिंग थर्ड ऑप्शन है प्राइमिंग डी सकरिंग टॉपिंग और फोर्थ ऑप्शन है प्राइमिंग टॉपिंग डी सकरिंग तो हमें इनका जो राइट right सीक्वेंस है हमें वो बताना है ठीक है तो इसका जो राइट सीक्वेंस होगा वो होगा टॉपिंग डी सकरिंग और प्राइमिंग फर्स्ट ऑप्शन ठीक है टॉपिंग के अंदर तो जो टॉपिंग के अंतर्गत तो हम क्या करते हैं जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का उसको रिमूव कर देते हैं ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके ठीक है डी सकरिंग के अंदर क्या होता है टर्मिनल ब्र, ब्रांचेस के ग्रो टर्मिनल ब्रांचेस को काट देते हैं जिससे कि मतलब अपने को प्रोडक्शन ज़्यादा मिले ठीक है और प्राइमिंग क्या होता है जब लीव्स टबैको की लीव्स जब मैच्योर हो जाती हैं तो तब उनको जब हम तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम प्राइमिंग बोलते हैं ठीक है अब हम मूव करते हैं ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन पे इट मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड पार्टिकल्स विल फॉर्म ए सॉयल सस्पेंशन एग्जीबिटिंग कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है कैलियोनाइट सेकंड ऑप्शन है वर्मिकोलाइट थर्ड ऑप्शन है इलाइट और फोर्थ ऑप्शन है हेमेटाइट तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा फर्मिकोलाइट ठीक है अब हम चलते हैं थर्टीन नंबर क्वेश्चन पे कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट मतलब इन जो फॉलोइंग एलिमेंट है इनको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम सेकंड एलिमेंट है जिंक थर्ड एलिमेंट है फास्फोरस, फोर्थ एलिमेंट है मैग्नीशियम तो हमें बताना है कि द एसिडिक सॉइल्स आर डिफिशियंट इन विच ऑफ द अबव न्यूट्रेंट एलिमेंट तो हमें बताना है कि एसिडिक सॉयल होती है उनमें जो फॉलोविंग एलिमेंट्स हैं उनमें से किसकी कमी पाई जाती है इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है ए बी एंड सी ओनली सेकेंड ऑप्शन है बी सी एंड डी ओनली थर्ड ऑप्शन है ए सी एंड डी ओनली और फोर्थ ऑप्शन है ए बी और डी ओनली ठीक है तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर ए सी और डी ओनली मतलब जो एसिडिक सॉइल्स होती हैं उसमें होती है कैल्शियम की कमी उसमें होती है फास्फोरस की कमी और उसमें होती है मैग्नीशियम की कमी ठीक है अब हम मूव करते हैं फोर्टीन नंबर क्वेश्चन पे और वो है हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन द सॉइल रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्लांट मतलब मतलब कि अगर सोयल में हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है तो इनमें से नीचे जो गिवन है न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से किसकी अवेलेबिलिटी प्लांट मतलब कि सॉइल में रिड्यूस हो जाती है तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर सेकंड ऑप्शन है आयरन थर्ड ऑप्शन है बोरोन और फोर्थ ऑप्शन है मोलिब्डेनम तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा बोरोन मतलब अगर सोइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्यादा होती है तो जो सोयल है वो रिड्यूस वो कॉपर की अवेलेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देती है प्लांट के अंदर ठीक है अब हम मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे ड्रॉपसी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स इज कॉज्ड बाय विच वीड मतलब कि जो ड्रॉपसी डिजीज है ह्यूमंस में जो होती है उसका जो मेन कारण है वो कौन सा वीड है इसके हैं ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू सेजिया लैनोन लैनोक्सियोटाटा सेकंड ऑप्शन है अरजिमोन मैक्सिकाना थर्ड ऑप्शन है डाइगेरा लेनु, लेनु, अरवेंसिस फोर्थ ऑप्शन है गोनमोल वुलस आरवेंसिस तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आर्जिमोन मैक्सिंग का ना, इसे हम हिंदी में सत्यनाशी भी बोलते हैं ठीक है ये मस्टर्ड का वीट होता है मस्टर्ड के अंदर पाया जाता है ये वीड मस्टर्ड क्रॉप के अंदर ठीक है और इसकी जो इसकी वजह से जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ड्रॉप से डिजीज हमें नॉर्मली देखने को मिलती है ठीक है अब हम मूव करते हैं सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन पे द राइस वेराइटीज़ ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू मतलब कि जो इंडिया में जो राइस की वेराइटी है वो कौन सी आ, मतलब बिलोंग करती है कौन सी वराइटीज़ का हम यूज़ करते हैं इंडिया में तो उसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है इंडिका सेकेंड ऑप्शन है जैपोनिका थर्ड ऑप्शन है जावानिका और फोर्थ ऑप्शन है एस्टिसिका तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिका तो जो आ, इंडिया में जो राइस की वैरायटी ग्रो की जाती है वो है इंडिका और जो जैपोनिका है ये मेनली जापान में होती है जापान में ठीक है और जो जावानिका है वो इंडोनेशिया की वैरायटी है ओके अब हम मूव करते हैं सेवनटीन नंबर क्वेश्चन पे और वो है द ऑप्टिमम पी एच ऑफ सोइल फॉर राइस कल्टिवेशन वेरीज इन रेंज इज मतलब कि राइस कल्टिवेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हमें बताना है कि वो कितना है फर्स्ट ऑप्शन option, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन है फोर से सिक्स पी एच सेकेंड ऑप्शन है फाइव से सिक्स पॉइंट फाइव थर्ड ऑप्शन है सिक्स से सेवन और फोर्थ ऑप्शन है सेवन से नाइन तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा फोर से सिक्स जो फोर से सिक्स पीएच होता है वो राइस कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमम होता है ठीक है अब हम मूव करते हैं एटीन नंबर क्वेश्चन पे ट्रो वायरस ऑफ राइस राइस इज़ ट्रांसमिटेड बाय तो जो ट्रो वायरस है राइस का वो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है मतलब जिसका उसका वेक्टर क्या है तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन है स्टेम्बोर सेकेंड ऑप्शन है लीफ रोलर थर्ड ऑप्शन है ग्रीन लीफ होपर थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है गंदी बग तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीन लीफ हॉपर तो जो टंगरो वायरस ऑफ राइस है वो ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा ट्रांसमिट होता है ठीक है अब मूव करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विद इफेक्ट इफ, फ्रॉम मतलब कि जो सब सब्सिडी जो मतलब कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने सब्सिडी देनी कब शुरू की थी फर्टिलाइजर्स पे मतलब स्टार्ट कब की थी तो उसके जो ऑप्शन है वो है नवंबर फर्स्ट 1966 सेकंड ऑप्शन है नवंबर फर्स्ट 1969 थर्ड ऑप्शन है नवंबर फर्स्ट 1977 और फोर्थ ऑप्शन है अक्टूबर टू नाइनटीन तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तीन नंबर नवंबर फर्स्ट 1977. सेवेंटी सेवन तो जो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देनी जो गवर्नमेंट ने शुरू की थी वो की थी नवंबर फर्स्ट नाइनटीन सेवेंटी सेवन में अब हम मूव करते हैं ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन पे और वो है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ वीट मतलब जब वीट हो वीट में जब ग्रेन फिलिंग होती है तो उस टाइम उस हमें प्रॉपर कितना टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है ठीक है अगर मतलब जब हम अगर हमें वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो जो ग्रेन फिलिंग की प्रोसेस है वो रुक जाती है या फिर उसमें कमी आ जाती है तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन है बीस से ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस सेकेंड ऑप्शन है ट्वेंटी से ट्वेंटी थ्री थ्री डिग्री सेल्सियस थर्ड ऑप्शन है ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन है सिक्सटीन से ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 23 से 25 डिग्री सेल्सियस ओके अब हम मूव करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे और वो है ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बिन मोस्ट सक्सेसफुल इन जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ और मतलब कहाँ पे है कहाँ पे हुई थी और किस क्रॉप के लिए हुई थी ठीक है तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है वीट एंड पटैटो सेकेंड ऑप्शन है वीट एंड राइस थर्ड ऑप्शन है टी एंड कॉफी और फोर्थ ऑप्शन है बाले एंड राइस ठीक है तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वीट एंड राइस तो जो ग्रीन डेवलेशन है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी वीट एंड राइस में जो मतलब आ, सीरियल क्रॉप्स हैं उनके अंतर्गत ठीक है अब हम मूव करते हैं ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन पे विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन मतलब कौन सा स्टेट है जहाँ पे शुगर केन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है तो इसके ऑप्शन हैं फर्स्ट ऑप्शन है यूपी सेकेंड ऑप्शन है डब्ल्यू बी वेस्ट बेंगॉल थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु तो जो तमिलनाडु है तमिलनाडु स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा शुगर कैन की प्रोडक्टिविटी है ठीक है अब हम चलते हैं ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन पे और वो है मोस्ट क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड इज अप टू डैश मंथ्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एग्जिस्ट इन शुगर कैन मतलब हमें बताना है कि शुगर कैन की जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तो मतलब कौन सी ऐसी स्टेज होती है या कितने टाइम बाद स्टेज आती है जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है जहाँ पे क्रॉप का और जो वीड है उनका कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट है दो मंथ के बाद सेकंड है चार मंथ के बाद फोर मंथ आफ्टर शो ट्रांसप्लांटिंग थर्ड है फाइव मंथ और फोर्थ है सिक्स ठीक है तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फोर मंथ तो मतलब शुगर केन की ट्रांसप्लांटिंग के फोर मंथ बाद सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है क्रॉप में और जो वीड होता है उसमें कंपटीशन की ठीक है अब हम मूव करते हैं ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन पे कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथिकेट्स इज़ अबाउट मतलब कि फ्लैग लीफ का जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन है फिफ्टी टू परसेंटेज सेकेंड ऑप्शन है फोर्टी परसेंटेज थर्ड ऑप्शन है थर्टी फाइव परसेंटेज और फोर्थ ऑप्शन है ट्वेंटी परसेंटेज तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा फिफ्टी टू परसेंटेज ठीक है तो सबसे पहले पता होना चाहिए फ्लैग लीफ होती क्या है जो लास्ट लीफ ऑफ एमरजेंस होती है लास्ट लीफ ऑफ एमरजेंस जैसे कि ये प्लांट हो गया तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली ब्रांचेस होती है ना जो लास्ट लीव एमरजेंस सबसे बार लास्ट में बनती है तो उसे हम फ्लैग लीफ बोलते हैं ठीक है अब चलते हैं ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन पे मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सोइल मेक्स यूज ऑफ ठीक है तो इसके जो ऑप्शन है वो ड्रेक्यू स्लो सेकेंड है स्टॉक्स स्लो थर्ड ऑप्शन है स्कोफिल्ड स्लो और फोर्थ ऑप्शन है ओम स्लो तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा स्टॉक स्लो ठीक है अब हम चलते हैं ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन पे द एलिमेंट विच नॉट इन टू परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट इज मतलब इनमें से कौन सा uh, कौन सा जो प्लांट मतलब है एलिमेंट है जो कि परमानेंट और जो ऑर्गेनिक कम्बिनेशन होता है प्लांट का उसमें एंटर नहीं करता है तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन सेकेंड ऑप्शन है फॉस्फोरस थर्ड ऑप्शन है पोटाश फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम तो जो, जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा पोटाश जो पोटाश एलिमेंट है वो परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन के मतलब प्लांट के उसमें भाग नहीं लेता है अब चलते हैं ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन पे द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल इन एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रेंट इन प्लांट वास गिवन बाय जो आवश्यकता का सिद्धांत है वो किसने दिया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है डी जी निकोलस सेकेंड ऑप्शन है आर नोन एंड स्टाउट थर्ड ऑप्शन है जे एस कंवर फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा आर नोन एंड स्टाउट ठीक है ये दिया था इन्होंने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी नाइनटीन थर्टी नाइन में ठीक है अब हम मूव करते हैं ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन पे ए डिवाइस फॉर द मिसरिंग मिसरिंग द प्रकोलेशन एंड लीचिंग लॉसेस फ्रॉम फ्रॉम कॉलम ऑफ सॉइल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज नोन एस मतलब कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे हम परकोलेशन और लीचिंग होते हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं तो इसके ऑप्शन है एवेपोरीमीटर सेकेंड है साइक्रोमीटर थर्ड ऑप्शन है लाइसीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है इनफिल्ट्रोमीटर तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा लाइसीमीटर। तो लाइसीमीटर का यूज हम परकोलेशन और लीचिंग लॉसेस को मेजर करने के लिए करते हैं अब हम मूव करते हैं विच इज द लीडिंग स्टेट प्रोडक्शन Net, मतलब इन ग्राउंडनट मतलब इनमें से कौन सा स्टेट है जो ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे है तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान सेकेंड ऑप्शन है पंजाब थर्ड ऑप्शन है गुजरात और फोर्थ ऑप्शन है यूपी उत्तर प्रदेश तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा गुजरात जो ग्राउंडनट प्रोडक्शन है उसमें इंडिया का जो गुजरात स्टेट है वो सबसे ज़्यादा आगे है ठीक है अब हम चलते हैं थर्टी नंबर क्वेश्चन पे जो हमारे आज के सेकेंड सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर फॉर कॉटन फॉर एस्टिमेटेड एज मतलब कि पर हेक्टेयर के लिए हमें कॉटन के जो प्लांट है उनकी जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वो कितनी होनी चाहिए तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पच्चीस हजार से पचास हजार सेकेंड ऑप्शन है थर्टी से सिक्सटी थाउजेंड थर्ड ऑप्शन है फिफ्टी से एट्टी थाउजेंड और फोर्थ ऑप्शन है वो है एट्टी थाउजेंड से वन लैख तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फिफ्टी से एट्टी थाउजेंड जो प्लांट पॉपुलेशन होती है कॉटन की वो बेस्ट होती है वन हेक्टेयर के लिए ठीक है इसी प्रकार हमारा आज का सेकंड सेशन भी यहीं पे समाप्त होता है और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बोला था इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है अगर आपने उसको नहीं देखा तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप वो देख सकते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेशन में उसे पूछ भी सकते हैं ओके तो ठीक है थैंक यू